हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूट मोबाइल की। रूट मोबाइल में शायद हैकिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई है या नहीं हुई है, क्या इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, क्या कस्टमर्स जो इसके इन्वेस्टर्स हैं इन्हें एग्जिट कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसी से रिलेटेड बातें करेंगे। ओके, इसके फंडामेंटल बिजनेस को समझेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर हम देखें तो कल की डेट में मैंने यहाँ पर दो वीडियो तीन वीडियो डाली थी, यहाँ पर देख सकते हैं। कंपनी करने जा रही है डीमर्जर, तो उसका फ़ायदा तो बता दूँ। आज के दिन में ये शेयर अच्छा खासा 30-40 रुपए भागा भी था। और बात करें यहाँ पर एक और शेयर है, मोटा पैसा कमाना है तो इन शेयरों में लगाए इन्वेस्टमेंट, तो इस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा तो आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा एज वेल एज नॉलेज भी मिलती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक मिलेंगे। अगर आप पर ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट नहीं है, यहाँ पर आप क्लिक करें, फ्री में अपना अकाउंट ओपन कराइए। ओके, कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर एक और लिंक है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, यहाँ पर क्लिक करें, इनकी वेबसाइट पे आपको ले जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी श्रद्धा अनुसार दान दीजिए। और दान देना हमेशा पुण्य का काम होता है, इससे हमारा दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति हमेशा होती है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हैकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आई है किसमें, रूट मोबाइल में, तो उसी से रिलेटेड ये पहले न्यूज़ पढ़ेंगे हम। तो देखिए, हैकर हिट्स रूट मोबाइल, एक्सेस टाटा कम्युनिकेशन डेटा फर्म्स डिनाई। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है कि रूट मोबाइल का जो डेटा है, ओके, उधर हैकर्स ने हिट किया है जिसकी वजह से वहाँ पर टाटा कम्युनिकेशन का डेटा यहाँ पर लिया गया, एक्सेस किया गया है। तो यहाँ पर दोनों कंपनी रूट मोबाइल एज वेल एज टाटा कम्युनिकेशन दोनों ने ही मना कर दिया है। पहली बात तो ये, अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ न्यूज़, तो ये देख लीजिए, अ साइबर क्रिमिनल हैज़ डिक्लेम टू हैव द कम्प्रोमाइज द नेटवर्क ऑफ द रूट मोबाइल। तो मतलब एक साइबर जो क्रिमिनल्स होते हैं, मतलब जो हैकर्स होते हैं, उन्होंने यहाँ पर कुछ क्लेम किया है कि हमने रूट मोबाइल की जो कंपनी है उसके डेटा को एक्सेस कर लिया है और उसके डेटा जो है वो बेच रहे हैं कहाँ पर, टेलीग्राम पर, कितने में, $5,000 में। यहाँ पर टाटा कम्युनिकेशन एंड सेलिंग दैम इन ऑन टेलीग्राम फॉर $5,000। तो इस तरीके का क्लेम किया जा रहा है। बट अगर बात की जाए रूट मोबाइल और टाटा कम्युनिकेशन, तो दोनों ने ही यहाँ पर मना कर दिया है कि हाँ, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर हुई नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ इन्होंने लिखा भी है। और अगर बात करें अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी रिसर्च राजशेखर राजा हरिया, द सेलर इज क्लेम टू हैव 16 GB कंप्राइज फाइल्स इंक्लूडिंग ओवर 10 मिलियन रोज ऑफ डेटा। मतलब यहाँ पर जो है उसने कहा है कि 16 GB की उसके पास फाइल्स है इससे रिलेटेड, जो कि 10 मिलियंस डेटा से 10 मिलियंस डेटा है उनके पास। तो इससे रिलेटेड ये न्यूज़ थी। तो ये तो बता दूँ तो कि पहले उन्होंने, ये जो राजा हरिया यहाँ पर एक कोई हैकर है, उसने पहले कहा, पहले 18,000 रुपीज़ मांगे थे इसी डेटा को डंप के लिए एज वेल एज बात करें, फिर बाद में उसने $5,000 मांगने लग गया। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ साफ लिखा भी हुआ है। और अगर बात करें देयर हैव बीन अ स्ट्रिंग ऑफ हैकिंग इंसिडेंट इन्वॉल्विंग इंडियन फर्म्स इन द रिसेंट पास्ट इंक्लूडिंग बिग बास्केट, बायूकॉन, जस्ट पे, अपस्टॉक एंड अदर्स। तो इस तरीके की देखिए प्रॉब्लम तो मार्केट में चलती रहती है, पहली बात। और दूसरी बात बताऊँ तो ये कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी है, ये थर्ड पार्टी जो रूट मोबाइल है वो भी थर्ड पार्टी से जांच करा रही है एज वेल एज बात की जाए टाटा कम्युनिकेशन, वो भी अपनी थर्ड पार्टी से, यहाँ पर ग्लोबल इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम है उधर से, ये भी जांच करा रही है। तो जब अभी तो इन्होंने साफ मना कर दिया है और इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आई भी नहीं है, टाटा कम्युनिकेशन ने भी सेम चीज़ कही है और रूट मोबाइल ने भी कही है। अगर इस तरीके की चीज़ होती भी है तो देखिए ये फ्यूचर में हमेशा ऑब्वियसली बात है, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपने आप को सिक्योर रखते हैं, बट अगर ऐसी कुछ चीज़ हुई भी होगी तो भी बताना चाहता हूँ शेयर में कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला, क्योंकि ये लीडिंग कंपनीज़ है। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें रूट मोबाइल की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रूट मोबाइल क्लाउड से रिलेटेड काम करता है। और आपको बताइए रिसेंटली ही इसका IPO आया था जो कि ज़बरदस्त हिट होता हुआ नज़र आया था। ओके, आपके पैसे को अच्छी खासा बढ़ाते हुए नज़र आया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर किस चीज़ से रिलेटेड काम करता है, तो आपके पास जो मैसेजेस वगैरह आते हैं, ओके, तो ये इन सब चीज़ों से रिलेटेड काम करता है। यहाँ पर देख सकते हैं गूगल, व्हाट्सअप, इटी सैलेट, फेसबुक, एमिरेट्स, आइडिया,
इतनी बड़ी बड़ी इनकी इन कंपनियों के इनके कस्टमर्स है ओके. और बात किया जाए तो अच्छा खासा इनका ट्रांजेक्शन भी है, अच्छा खासा सर्विस प्रोवाइड करते हैं मैसेजिंग से रिलेटेड, जो कि आप ऑलरेडी बता दिया, जो आपके मोबाइल पर OTPs आते हैं उससे रिलेटेड ये कंपनी काम करती है ओके. यहाँ पर आप देख सकते हैं IVR से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है, व्हाट्सअप बिजनेस सॉल्यूशन से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है, IVR जो कॉलिंग्स होती है उससे रिलेटेड, मेल्स वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड. तो कंपनी क्लाउड से रिलेटेड काफ़ी अच्छा काम करती है, टेक्निकल और डिजिटली ये कंपनी काम करती है. तो एज सच अभी ऐसी कुछ न्यूज़ भी नहीं है ओके, बट ये अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इस ड्यू टू दिस इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें तो पिछले 5 दिन का डेटा तो कम पहले तो यहाँ पर इस न्यूज़ के चलते यहाँ पर गिरावट आई और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर कंसोलिडेट करना इसने यहाँ शुरू कर दिया है. इसी रेंज में ये पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2-3 दिन से इसी रेंज में ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, इसी रेंज में ये कारोबार कर रहा है. बट ये अपॉर्चुनिटी है. तो अगर बात करूँ ये शेयर करेक्ट कहाँ से हुआ था, तो ये शेयर करेक्ट हुआ था लगभग 1800 रुपये के आसपास से, सॉरी 2000 रुपये के आसपास से शेयर करेक्ट होता हुआ हमें नजर आया है. यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं. तो यह एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इस तरीके के शेयर जो ऑलरेडी भागते हैं, जो जिनमें FIIs की होल्डिंग अच्छी खासी है, जिसमें DIIs अच्छे खासा होल्ड करते हैं, तो इस तरीके के कंपनी अगर आपको मिलती है और अगर आपको इनके मैनेजमेंट पर विश्वास है और आप समझते हो कि यह कंपनी अच्छा कुछ परफॉर्मेंस आगे भी करेगी और ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं होगी, और ऐसे अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो भी गई होगी तो भी इनके कस्टमर इनके पास ही रहेंगे, आपको ऐसा लगता है, तो ऑब्वियसली बात है ये शेयर आगे चल के आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा. क्योंकि बैड टाइम में किसी भी कंपनी के साथ आप अगर खड़े रहेंगे तो अपने गुड टाइम में वो आपको रिजल्ट पेश करेगी, दे विल मेक यू रिच. तो इस बात को कहा जा सकता है. अगर बात की जाए 52 वीक हाई की, सॉरी लो की, तो 625 रुपीज का ये 21 सितंबर को शेयर था. उसके बाद 52 वीक हाई की बात करें तो 1979 को ये, मतलब 17 फेब को ही ये लगभग इतने प्राइस पर ये आया था. अगर आज के दिन की बात करें तो 150,152 शेयर, लगभग 41% की यहाँ डिलीवरीज उठाई गई है. कंपनी इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए प्रमोटर्स के शेयर्स अच्छे खासे हैं ओके, एज वेल एज बात करें यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन से, तो यहाँ पर देखिए कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है. अगर यहाँ पर हम देख लेते हैं तो मार्केट कैपिटल स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप में ऑलरेडी बता दिया है कंपनी भागती भी तेज है और गिरती भी तेज है, जो कि आप देख चुके हैं. एक न्यूज़ आई तो अच्छा खासा 300-400 रुपये का यहाँ पर करेक्शन भी हुआ. और अगर बात करें कंपनी किस तरीके से भागी है 600 रुपये से 1800 रुपये तक विद इन 3 to 4 months, तो आप वो भी चीज़ देख सकते हैं. ROCE काफ़ी बेहतरीन है, 28.8%. डेट की बात करें तो ना के बराबर डेट है, थोड़ा बहुत है, प्लेजिंग कुछ है नहीं. अगर बात करें यहाँ पर और भी चीज़ों की तो क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, जून 2019 से सेल्स में कंटिन्यूसली यहाँ पर बढ़त दिख रही है आपको. अगर 230 करोड़ रुपीज़ की सेल्स थी, जो अभी दिसंबर में 385 करोड़ रुपीज़ की कंसिस्टेंसी दिखा रहा है अपने सेल्स में, मतलब सेल्स के रेवेन्यू में. ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको से कंटिन्यूस होता हुआ दिखाई दे रहा है, 21 करोड़ से लेके 45 करोड़, मतलब हाईएस्ट एवर अभी तक के इन्होंने अभी अपने रिजल्ट्स पेश करे हैं. अगर बात की जाए कंपनी यहाँ पर नेट प्रॉफिट की, तो 13 करोड़ रुपये का प्रॉफिट विद इन, अगर बात करें कितने 2 साल के अंदर अंदर कितना 38 करोड़ के प्रॉफिट में बैठ गया है, और क्या चाहिए, लगभग 3 गुना आपका पैसा 2 साल में हो गया है. सेल्स की बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेल्स अगर ईयरली बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर मार्च 2016 में 367 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर सेल्स था, जो कि 12 महीने में, पिछले 12 महीने में अगर बात की जाए 1300 करोड़ रुपये की सेल्स है. नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं 63 करोड़ से सीधे 111 करोड़ रुपये, जो कि हाईएस्ट एवर है अभी तक का. रिजर्व्स की बात करें, कंपनी अच्छा खासे रिजर्व्स पर बैठी हुई है, 4 साल में ही इसके रिजर्व्स अगर बात करें तो 10 टाइम्स हो गए हैं, 492 करोड़. बोरिंग की बात करें, बोरिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, बोरिंग आई थिंक अगर मैं यहाँ पर और कुछ डेटा देखता हूँ, देखिए इंटरेस्ट इन्होंने कुछ पे नहीं किया, तो यहाँ पर बोरिंग इस बार शायद इन्होंने 0 कर दिया. दिसंबर का डेटा यहाँ अप्लाई है, यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, तो इनकी बोरिंग शायद यहाँ पर 0 है ओके, डेट फ्री इसे कंपनी को आप कह सकते हो. इन्वेस्टमेंट की बात करें, 13 करोड़ रुपीज़ का यहाँ इन्वेस्टमेंट है. और अगर हम यहाँ बात करें कैश की, तो 427 करोड़ रुपीज़ का कैश भी इनके पास अच्छा खासा है. अब बात करते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग की, तो 65% की होल्डिंग प्रमोटर्स सकते हैं. जैसे कि ऑलरेडी बोला था कि FIIs की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, सितंबर में यहाँ देखिए
10% की होल्डिंग थी, दिसंबर में 15.70 कर लिया, और अभी मार्च की बात करें तो और भी हिस्सेदारी बढ़ा ली, क्योंकि उन्हें पता है कि इस तरीके की कंपनी जो कि आपको नीचे भाव पे मिल रही है तो आपको ऐसी कंपनी खरीदनी चाहिए। DIS की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं DIS ने यहाँ पर लगातार अपनी हिस्सेदारी बेची है। पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास यहाँ पर 12.94% की हिस्सेदारी है, जो कि पब्लिक ने भी यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है। तो एज सच अभी तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर सिंपल न्यूज़ दी गई है कि इस तरीके की प्रॉब्लम मतलब हैकिंग से रिलेटेड इशू आया है, बट यहाँ पर अब किस कंपनी ने कह दिया है कि रूट मोबाइल सिस्टम्स आर सिक्योर ऑलरेडी कह दिया है, एंड देयर इज नो एविडेंस टू सजेस्ट दैट दिस हैज़ एनी इम्पैक्ट ऑन रूट मोबाइल कस्टमर्स पर्सनल डेटा द कंपनी सेड। ओके, तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी होगा तो आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ ऐसा इतनी ईजिली नहीं होती, और काफ़ी लोग पैसा बनाने के लिए फॉर मेकिंग मनी इस तरीके की हरकतें करते भी हैं। ओके, और इस तरीके के इसे बचाने के लिए ऑलरेडी टीम्स लगी रहती है, तो ऐसा कुछ ईजिली होने नहीं वाला। तो इसलिए बताना चाहता हूँ, अगर आप इसे कंपनी को इस टाइम पे अगर खरीदेंगे तो अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलता हुआ नजर आएगा, और इसके अभी रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, एक महीने के अंदर अंदर कभी भी रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो उस टाइम ये शायद आपको अच्छा खासा गेन देता हुआ और नजर आएगा। नीचे और मिलता है तो वेल एंड गुड है, बाय ऑन डिप्स करिएगा। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प जरूर लीजिए, खुद की हेल्प खुद की स्टडी डेफिनेटली करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे और हम सब एक साथ आगे बढ़ते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।